ये है निशान पाल, ये इनवॉइस कट चुकी है और ये इनवॉइस चले। हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज जैसे कि हमने बताया था, इन्होंने मेरे को इंस्टा पे फॉलो किया है, उनको सबको पता है कि हम लोग आज हल्द्वानी क्यों आए हैं और कहाँ जा रहे हैं। गाड़ी लेने आए हैं, वो आप लोग गैस कीजिए कौन सी गाड़ी है। इंस्टा में जो फॉलो कर रहे हैं उनको पता है कि कौन सी गाड़ी है। ये अरुण भाई है मेरे साथ, बाकी लोग नीचे जा चुके हैं और चलते हैं नीचे, मिलते हैं गाड़ी पे ही। फिर हमें शोरूम भी जाना है, कुछ सामान और खरीदना है, उसके बाद हमें शोरूम जाना है। अभी ये अपनी गाड़ी खड़ी है, इससे हम चलेंगे भी। फिर देखते हैं आगे कहाँ जाना है। ये भैया तो हम गाड़ी साफ करते हुए डिक्की खोल दी है, तो डिक्की में बैग वगैरह रख लेते अपने। शोम तक आगे मार्केट चलते हैं, हल्द्वानी मार्केट है ना आगे। हेलो फ्रेंड्स, जैसे कि मैं पहुंच चुका हूँ निशान के शोरूम में, हम लोग आ चुके हैं। जिस गाड़ी से हम आया है वो भी गाड़ी है, एक्सयूवी गाड़ी है हमारी। अभी देखते हैं कि कौन सी गाड़ी हम लेने आए हैं, वो सरप्राइज आप लोगों के लिए। ये हम ठीक उठाते हैं या कोई और, या डेक्शन वो देखते हैं। और जिन्होंने इंस्टा पे फॉलो किया उनको पता है कि मैं कौन सी गाड़ी लेकर आया हूँ। ये गाड़ी हमारे ग्रुप में ही आ रही है। अभी मेरा प्लान तो नहीं था इधर से, लेकिन सडनली एक फ्रेंड का प्लान बन गया, तो उसकी गाड़ी लेने में आना पड़ा। और गाड़ी में अर्जेंट में चाहिए थी, तो इसलिए मेरे को हल्द्वानी आना पड़ा। मेरे को हल्द्वानी इसीलिए आना पड़ा कि गाड़ी दिल्ली, गुड़गांव, नोएडा, गाज़ियाबाद कहीं अवेलेबल नहीं थी। 5 महीने की वेटिंग, हर जिससे मैंने बात करी हर बंदा यही कह रहा था कि 5 महीने की वेटिंग है। अब मेरे फ्रेंड को थोड़ा गाड़ी अर्जेंट में चाहिए थी, हमने हल्द्वानी पता किया, हल्द्वानी कोई रिलेटिव रहते मेरे उनके थ्रू पता किया, तो उन्होंने बोला कि गाड़ी अवेलेबल है, मैं आपको दे दूँगा। 2 हफ्ते का टाइम लिया था हमसे और हमें दे दिया 2 हफ्ते के अंदर गाड़ी थी। और हमने गाड़ी जो उठाई है वो रेडी हो चुकी है, उसका टेम्परेरी नंबर, क्योंकि उत्तराखंड से हम गाड़ी उठा रहे हैं और यूपी का रजिस्ट्रेशन चाहिए, तो फाइल रेडी करके ये लोग हमें देंगे और गाड़ी की फाइल वगैरह रेडी कर देंगे। हम लोग अभी टेम्परेरी नंबर भी लेके जाएंगे गाड़ी, टेम्परेरी रजिस्ट्रेशन दे चुके हम उत्तराखंड का ऑलरेडी, गाड़ी बिल्कुल रेडी है। तो वो आएंगे और हमें गाड़ी की डिलीवरी देंगे। मैं आपको शोरूम के एक बार बताता हूँ, चलिए आपको शोरूम दिखाता हूँ। ये है निशान पाल प्रतीक ऑटो सेल्स, हल्द्वानी रामपुर रोड पे। ये गाड़ियाँ देख रहे हैं आप, एक्शन गो उधर खड़ी हुई है और ये मैग्नेट का ब्लैक मॉडल। वाइट मॉडल, वाइट सिल्वर। शोरूम के अंदर चलते हैं हम लोग, ये लोग खड़े हुए हैं, ये लोग भी बाहर आ रहे हैं, ये लोग बाहर ही आ रहे हैं। चारों आ गए बाहर। ये इनवॉइस कट चुकी है और ये इनवॉइस इस एनवलप में मिली है मेरे को। ये हमारे रवि जी हैं, इन्होंने बहुत सपोर्ट किया हमें इस हमारे को गाड़ी लेने के लिए, क्योंकि हम एक बार भी विजिट नहीं किए, सिर्फ आज ही आए हैं हम लोग सीधे गाड़ी लेने। और डायरेक्ट हमने इनसे बात करके फ़ोन पे ही, क्यों रवि जी, हमने पूरा फ़ोन पे बात करी थी, सारी पेमेंट फ़ोन पे, हाँ सारा कोऑर्डिनेशन हमारा फ़ोन पे चला। अच्छा ये शोरूम है हल्द्वानी में, ये था अपना सरप्राइज आज का। ये मैंने बताया था कि कौन सी गाड़ी अभी तक फाइनल नहीं करी थी, फाइनल है निशान मैग्नाइट,
जो कि हमने दिल्ली से आके यहाँ पे लिया हल्द्वानी। रवि भाई का बहुत हेल्प थी इसमें, हमारे रवि भाई, इन्होंने बहुत सपोर्ट किया हमें। अब हम लेके निकलते हैं भाई, आ जाओ भाई सुबह। अरे अरुण भाई आओ ना, आ जाओ आ जाओ। वन मोर एडिशन अवर ग्रुप, चलान यहाँ तेरी चाबी तो पकड़ ले, चलानी तो हमने ही है। पहुँचो 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 सारे पहुँचो। कितना है ये शांति की ना, एक फोटो और है सर, बोर्ड के साथ, आलिशान का बोर्ड, कांग्रेचुलेशन का। चलिए हम भी पहुँचते हैं कांग्रेचुलेशन के बोर्ड के पास। जहाँ से हम स्टार्ट करेंगे वहाँ से पहुँचो 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 सारे पहुँचो। चाचा गए, ये पूरी निशान की टीम है और ये हमारी टीम है। हम लोग पेट्रोल डलवा रहे हैं यहाँ पे, हल्द्वानी में पेट्रोल का रेट 100 रुपए 97 पैसे, ऑलमोस्ट दिल्ली से 2 रुपए का फर्क है। इतनी नई गाड़ी मैग्नाइट अच्छी भी बाहर खड़ी है, इसमें पेट्रोल वगैरह डलवा के फिर हम लोग निकलते हैं सीधे दिल्ली। अभी थोड़ी कुछ भूख सी लगी है हम लोगों को, लंच के लिए रुके हैं। ये खड़ी हमारी दफा बन, ये खड़ी एक सी वी उधर मैग्नेट खड़ी है। हम लोग रुके हैं यहाँ पे लंच के लिए, भूख लग चुकी है ऑलरेडी। 12:15 हो चुके हैं, मैं सोचा यहाँ पे लंच वंच कर लेते हैं, उसके बाद फिर आगे निकल जाएंगे। चलिए यहाँ पे नवरात्रि स्पेशल थाली भी मिल रही है, इसमें ये सब चीज़ें हैं।
दालचीनी ढाबा। एम्बियंस काफ़ी अच्छा है इसका। ये विजय तोमर फ़ोन में चेक करते हैं। ये हमारे अनिल तिवारी जी, इनको भूख लग रही है बहुत तेज, ये सोच रहे हैं मैं फ़ोन को खा लूँ। अरुण भाई, ये प्लेट सर्व हो रही है हमें। गाड़ी का मैं थोड़ा इंट्रो देता हूँ। गाड़ी खोल दी मैंने, इसके पावर विंडोज, इसी से लॉक करने के लिए, और इसका मेरे सिस्टम 9 इंची इंफोटेनमेंट सिस्टम है, चारों पावर विंडो देख सकते हैं। इसमें स्पेस बहुत अच्छा है गाड़ी में। मेरी हाइट 5 फुट 11 इंच है, मेरे सेट करने के बाद ही इतनी स्पेस है। ये आप पीछे आराम से देखिए, ये मेरे पैर है, आराम से बैठ सकते हैं इसमें। बैठने के बाद मैं इसमें आराम से बैठूंगा। इसमें इतना स्पेस बचा हुआ है, ये अभी भी 4 उंगल का स्पेस है, 4 इंची का स्पेस है, इसमें आराम से 5 जनते बैठ सकते हैं। मैं आपको इसकी डिग्गी भी दिखा देता हूँ थोड़ा सा। ये इसका पीछे से लुक है गाड़ी का। ये इसमें यहाँ पे भी लाइट दी हुई है, आगे भी दी हुई है, पीछे भी दी हुई है। ये भी सिस्टम सामने से एसी वगैरह कंसोल वगैरह बहुत अच्छा है इसका। ये इसका फैब्रिक जो दिया हुआ है बहुत कंफर्टेबल है, कुशन इसकी अच्छी की हुई है। मैं इसका ये इसमें डिफॉगर है, ये वाइपर है, और इसका डिग्गी खोलने के लिए स्पेस देखिए, काफ़ी अच्छा स्पेस है इसमें। इतना स्पेस है कि अब इसमें अगर मैं इसके अंदर बैठ जाऊँ काफ़ी बड़ा स्पेस है। इस हिसाब से अभी मैं काफ़ी हद तक लेट चुका हूँ। ये 336 लीटर का है इसका बूस्ट स्पेस है, और 330 लीटर में काफ़ी कुछ आ जाता है। और अभी हम लोग यहाँ से चलते हैं, चलो फिर। अभी हम लोग लंच करके निकल चुके हैं, हम चलते हैं। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और कमेंट जरूर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा आप देखिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करवाइए। चलिए।